हमीरपुर में पंच विषम पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 8 नवंबर से शुरू हुआ पर्व 12 नवंबर तक होगा और पंचपेखमी के दिन दीपों का विसर्जन किया जाएगा। हमीरपुर के वार्ड नंबर 2 में हर दिन भगवान राम और तुलसी माता की पूजा अर्चना की जा रही है और सैकड़ों दिए दिन रात जलाकर भजन कीर्तन कर पूजा अर्चना की जा रही है। हमीरपुर में पंच विषम पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 8 नवंबर से शुरू हुआ पर्व 12 नवंबर तक होगा और पंच बेखमी के दिन दीपों का विसर्जन किया जाएगा। हमीरपुर के वार्ड नंबर 2 में हर दिन भगवान राम और तुलसी माता की पूजा अर्चना की जा रही है और सैकड़ों दिए दिन रात जलाकर भजन कीर्तन कर पूजा अर्चना की जा रही है। सुरेन लता ने बताया कि पिछले 25 सालों से दिए रखे जाते हैं और 5 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने बताया कि दिए रखने की प्रथा पांडव कांड से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि 5 दिनों में सच्चे मन से पूजा अर्चना करके मन की मुराद पूरी होती है। स्वर्णलता इनको रखे को 25 साल हो गए रखे उनको, और इसका महत्व यही है भी जब पांडव लक्ष ग्रह में गए थे और कौरवों ने इनको धोखे से लक्ष ग्रह में अगर ये लगा दिए थे, फिर भीष्म पितामह ने ये सुखना की थी भी जब मेरे बच्चे ठीक ठाक घर आ जाएंगे तो मैं आपके इसमें ये दिए जुआंगा पंच विषम के महत्व में 5 दिन, पहले दिन एकादशी, दूसरे दिन द्वादशी, तीसरे दिन त्रयोदशी, आज अपने खून के 14 और पांचवें दिन पूर्णमासी, और उसके बाद ये महत्व खत्म हो जाता है। उसके बाद दियों का कहाँ विसर्जित किया जाता है? दियों में उसके बाद हरिद्वार जाके विसर्जन किए जाते हैं। क्या फल मिलता है इतने 5 दिनों का? इसका महत्व यही है, इसका भगवान सत्यनारायण का ये कार्य है, ये इसको करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुजारी ने बताया कि भीष्म पितामह का मूल नाम देवदत्त था, लेकिन अपने कुलज और वंश की रक्षा के लिए भीष्म पितामह द्वारा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य जीवन बिताने के भीष्म प्रतिज्ञा लेने के बाद भी भीष्म कहलाए। 5 दिन चलने वाले भीष्म मेलों के बारे में उन्होंने बताया कि भीष्म पितामह ने 5 दिन पांडवों को नीति उपदेश दिया था। उन्होंने बताया कि 5 दिनों के लिए तेल के दीपक भी जलाए जाते हैं। गौरतलब है कि इन 5 दिनों में तुलसी माता और विष्णु जी का विवाह भी किया जाता है और ये दीपक पितरों की याद में जले जाते हैं। इन दिनों विष्णु भगवान की आंवले के रूप में पूजा की जाती है। इन 5 दिनों में महिलाएं उपवास भी करती है कि इनके घर में सुख शांति व समृद्धि बनी रहे। इसमें स्त्रियां अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करती है। इन्हें 5 विषम कहा जाता है क्योंकि इन 5 दिनों में अपनी विषम प्रतिज्ञा के 5 दिनों तक बाणों के शैया पर सोए रहे थे। इसका मतलब यह है कि लक्ष्मी का वरदान देती है या पुत्र का वरदान देती है ये दीपक। 5 दिनों में इनको सोने से, इनका पूजन करने से, इनका रात्रि जागरण करने से मनुष्य को मन का आस, जो मन की इच्छा वो पूरी हो जाती है। विसर्जन कब की जाती है? विसर्जन से निकाल कल शाम को हो जाएगा विसर्जन, 6 बजे बड़े में इनका विसर्जन खसकाएंगे, उठाएंगे, जब दीप के आवाजें आएंगी माता तब उठाएंगे उनको, फिर हे फल कल का दिन आए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।